जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024 में अगर आपने गलती से कोई मिस्टेक कर दी राशन के अंदर या फिर फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में, तो आप उसको कैसे सही करेंगे या फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या तरीका है उसको सही करने का। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से इस वीडियो के अंदर जानकारी दी जाएगी। आप जल्दबाजी के चक्कर में वीडियो को आधा हाफ देख करके निकल मत जाइएगा, नहीं तो फिर आप बाद में पछताते फिरेंगे, क्योंकि ये मौका फिर आपको बाद में 4-5 साल से पहले नहीं मिलने वाला है और तब तक आप 100% ओवरेज हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है जो जानकारी मैं आपको यहां पर देने वाला हूं, और वही चीज फिर आपको अप्लाई करनी है। एंड गाइज, आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर भी कीजिए ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे जो कि इस फॉर्म को भर रहे हैं या फिर भरने वाले हैं या फिर भर चुके हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक करने से काफी मोटिवेशन मिलता है। एंड इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे, क्योंकि गाइज मैं आगे भी इसके बारे में जो भी आपके प्रॉब्लम्स आएंगे उनके सॉल्यूशन को लेकर के वीडियो बनाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो गाइज यहां पर आपके फॉर्म निकले हुए हैं, जिसके फॉर्म आपके 21 फरवरी 2024 तक भरे जाएंगे। तो आपके राशन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए थे, और मैंने कल पार्ट टू की वीडियो भी बना दी है कि पेमेंट कैसे करना है और फोटो अपलोड कैसे करना है। और इस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट मुझे ऐसे देखने को मिले कि सर मेरे से राशन के अंदर गलती हो गई है तो अब मैं क्या करूँ। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो स्पेशली बनाई जा रही है जिन्होंने राशन के अंदर गलती कर दी है। तो मैं आपको यहाँ पर वन बाई वन अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि आपके पास अब क्या मौका है उसको सही करने का। अगर आप इसके नोटिफिकेशन पर आते हैं तो नोटिफिकेशन पर आने के बाद में आपको यहां पर एक पॉइंट देखने को मिलेगा 7 पॉइंट, जिसमें कि आपको बोला है कि एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा, यथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा तथा संबंधित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा। यानी कि अगर आप यहां पर पहले फॉर्म के अंदर गलती कर दी है, आपने फॉर्म कंप्लीट कर लिया है, मैं अभी उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने राशन के बाद में फॉर्म सबमिट कर दिया है। अगर आपने मान लीजिए कंप्लीट फॉर्म भर दिया और कंप्लीट फॉर्म भरने के बाद में आपको देखने को मिला आपके फॉर्म के प्रिंट के अंदर कि यार इसमें तो ये चीज़ गलत हो गई, तो ऐसे में आप एक नया फॉर्म और भर सकते हैं आपके नई ईमेल आईडी और नए राशन नए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके। अगर वहाँ पर कोई एरर नहीं आता है तो आप जी हाँ नया फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो आपका सबसे लास्ट में फॉर्म भरा जाएगा वही आपका यहाँ पर एक्टिव माना जाएगा, उसके पहले के जो भी फॉर्म होंगे वो आपके रद्द कर दिए जाएंगे और उसकी आपको फीस भी रिफंड नहीं की जाएगी। बट अभी बात करते हैं उन कैंडिडेट के बारे में जिनसे राशन के अंदर गलती हुई है। तो गाइस यहां पर आपका जो राशन है और उसके अंदर आपने गलती कर दी है और आप देख रहे हैं कि आपका फीस जमा करने का एंड फोटो अपलोड करने का लिंक एक्टिवेट हो गया है, और आपने देखा कि आपके राशन के अंदर गलती है और आपका मन नहीं मान रहा कि यार मैं इसको कंप्लीट करूं, क्योंकि गाइस आपसे उसके अंदर गलती हुई है। तो गाइस पहला तो मैं आपको यहां पर एक ये कहना चाहूंगा कि आप एक नया राशन कीजिए आपके नई ईमेल आईडी और नए नंबर के साथ में। अगर आपका नई ईमेल आईडी और नए राशन नंबर के साथ में यहां पर दोबारा से राशन हो पा रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है कि आपकी डिटेल मैच हो गई है पहले वाले फॉर्म से, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप फॉर्म को कंप्लीट कर दीजिए उसी जानकारी से जो कि आपकी गलत हुई है। जी हां, मैं सही कह रहा हूं, आपने जो फॉर्म भरा था पहले वाला उसमें जो आपकी जानकारी है उसी से आपको आपके फॉर्म को इस वाले को सबमिट कर देना है, नए फॉर्म को नहीं बल्कि पहले वाले को ही। मुझे पता है उसके अंदर आपकी गलती हुई है, पर आपको वही फॉर्म यहां पर आगे सबमिट करना है, यानी कि जो आपका पेमेंट है कर देना है, आपका फोटो अपलोड कर देना है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको इसमें एडिट करने के लिए, फॉर्म को करेक्शन करने के लिए 26 फरवरी से 28 फरवरी 2024 तक का समय दिया है, यानी कि आपके पास लास्ट डेट निकल जाने के बाद में 2 दिन का वक्त होगा जिसमें कि आप यहां पर आपका जो भी करेक्शन है फॉर्म के अंदर वो कर पाएंगे। सेम ऐसा ही यूपी पुलिस के जब फॉर्म आए थे उसके अंदर हुआ था, और उसमें आपकी शुरू से लेकर के आखिरी तक सभी जानकारी एडिट की गई थी, यानी कि ऐसा नहीं था कि नंबर एडिट नहीं कर सकते, ईमेल एडिट नहीं कर सकते, नाम एडिट नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ एडिट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने जो जानकारी शुरू से लेकर के अभी तक इस फॉर्म के अंदर भरी है कंप्लीट करने तक, आप A to Z सभी जानकारी एडिट कर सकते हैं जब आपका 26 फरवरी 2024 को जो एडिट लिंक है वो एक्टिवेट होगा। जी हां, आपने सही सुना। तो आपको चिंता नहीं करनी,
करनी है। मैंने आपको यहाँ पर एक पहले वाला तरीका बताया है जिसमें कि आप नई ईमेल आईडी और नई मोबाइल नंबर के साथ में नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसमें सभी जानकारी सही तरीके से भर सकते हैं। बट अगर वो काम नहीं आ रहा है, आपको वहां पर एरर देखने को मिल रहा है कि आपकी डिटेल मैच हो रही है पहले वाले रजिस्ट्रेशन से, तो फिर आपके पास सेकंड तरीका यही वाला है जो कि मैंने अभी आपको बताया है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर गलती कर दी है तो घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, आप अपना फॉर्म उसी डिटेल के साथ में आगे आपका पेमेंट कर दीजिए, आपका फोटो अपलोड कर दीजिए, आपका साइन अपलोड कर दीजिए और फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। जी हाँ, फाइनल सबमिट कर दे, कोई इशू नहीं होगा। एंड फाइनल सबमिट जैसे ही होगा फिर आपको यहाँ पर 26 फरवरी 2024 से लेकर के 28 फरवरी 2024 में फिर से समय मिलेगा और आपकी यहाँ पर एडिट विंडो एक्टिवेट होगी, पर उसमें आपको सिर्फ एक बार का ही मौका मिलेगा क्योंकि यूपी पुलिस के अंदर भी सेम इंटरफेस आया था, उसमें भी आपको सिर्फ एक बार का मौका मिला था। तो आप उसमें सभी जानकारी अच्छे से चेक भी कर सकेंगे शुरू से लेकर के आखिरी तक। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई इसमें जानकारी का ऑप्शन एडिटेबल नहीं होगा, सभी जानकारी आपकी एडिटेबल होगी। आपके नाम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल, आपका एड्रेस, आपकी इसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट की अगर जानकारी यहाँ पर ली जा रही है तो वो सभी आपके यहाँ पर एक्टिव रहेंगे। तो गाइज, आप बाद में इसको सही कर सकते हैं, कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। और जैसे कि मैं आपको फिर से वही कहूँगा कि अगर आप ये वाला रिस्क नहीं लेना चाहते कि हाँ यार क्या पता एक बार मौका मिले उसमें कोई एरर आ जाए और फिर मैं उसमें अपनी जानकारी को एडिट ना कर पाऊँ, सही ना कर पाऊँ, तो चले मैं दूसरा फॉर्म भर देता हूँ, तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप दूसरा फॉर्म भरने की जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि कोई फीस का अमाउंट भी इतना नहीं है, 50 से 100 रुपये ही है। तो आप दूसरा फॉर्म भरने की ट्राई कीजिए, अगर वहाँ पर एरर आता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम यहाँ पर इस तरह से नया रजिस्ट्रेशन करते हैं नंबर और मोबाइल ईमेल के साथ में, तो कहीं ना कहीं एरर आ जाता है कि आपका नाम मैच हो रहा है, आपकी डीओबी मैच हो रही है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा नया रजिस्ट्रेशन करने की नए नंबर और ईमेल के साथ में, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, फिर तो आपको इस वाले को कंप्लीट करने की जरूरत है ही नहीं, फिर तो आप पहले वाले से ही अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिएगा, पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में सही जानकारी अच्छे से मैच कीजिएगा, चेक कीजिएगा, एंड देन फिर आपको आपका जो पेमेंट है वो करना है और फोटो अपलोड करना है। तो इसलिए मैंने आपको जो दो पॉसिबल वे है, जो सही तरीके है, वो मैंने आपको यहां पर बता दिए, ऑफिशियल वे में बताई है। आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी को चेक करेंगे, मैंने आपको कोई अपनी तरफ से जानकारी नहीं दी है, पूरी की पूरी जानकारी नोटिफिकेशन से आपको चेक कराई है, आप यहां पर देख सकते हैं। पहले जो नोटिफिकेशन है ये, इसमें आपकी जो डेट थी एडिट की वो 20 से 22 फरवरी थी, बट उसके बाद में डेट आपकी चेंज हुई थी, इसलिए ये नया नोटिस है जिसके अकॉर्डिंग 26 से 28 फरवरी 2024 तक आप अपने फॉर्म के अंदर एडिट या मॉडिफिकेशन या करेक्शन कर सकते हैं। तो गाइज, ये थी आपकी झारखंड पुलिस कांस्टेबल करेक्शन के बारे में जानकारी। आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपका भाई आपके साथ में है। अब आपके कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, मैंने यहां पर आपको जो जानकारी है वो एक्सप्लेन कर दी है। अगर अभी भी कोई आपका सवाल, कोई डाउट है इसको लेकर के या फिर किसी और जानकारी को लेकर के फॉर्म से जुड़ी हुई, तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, एंड जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एंड बस यही थी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो यार, अगर आपने वीडियो को देख लिया और आपकी कोई हेल्प कर पाया हो मैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। एंड मेरी तरफ से आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।